नमस्कार, मैं सुगंधा बावा, प्रवक्ता, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग, राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। आज हम CDTM प्रथम वर्ष के विषय सरफेस ऑर्नामेंटेशन 1, जिसका विषय कोड CD 126 है, के प्रथम यूनिट के टॉपिक फ्लैट स्टिचेस के अंतर्गत आने वाले स्टेम स्टिच और उसके वेरिएशन सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टेम स्टिच और उसके पश्चात उसका पहला वेरिएशन व्हिप्ड स्टेम स्टिच सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बनाना स्टेम स्टिच। सबसे पहले तरीका मैं बता रही हूँ, आपने धागा निकाला, उसके बाद एक छोटा सा टांका लेंगे, कपड़े में एक छोटा टांका लिया, उसके बाद धागे को अपने अंगूठे से, अपने बाएं हाथ के अंगूठे से दबा लीजिए और फिर एक और टांका, ये जो है इसके अंदर से निकालेंगे टांका। ये टांका लिया हमने और जहाँ हमारा पहला स्टिच एंड हो रहा है उसी होल में से हम अपना दूसरा टांका निकालेंगे। स्टेम स्टिच दो तरीके से बनाया जाता है, मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगी। सबसे पहला है जो थोड़ा आसान है वो बता रही हूँ, ये देखिए इस तरह से टांका लेना है आपको। जो हमारा वर्किंग थ्रेड है यानी कि जो लूज थ्रेड रहता है उसको हमें अपने अंगूठे से, अपने बाएं हाथ के अंगूठे से दबा लेना है और फिर इस तरह से छोटे छोटे टांके लेके हम स्टेम स्टिच बनाएंगे। इस तरह से टांके आप छोटे रखिए, बड़े टांके लेने से इतना सुंदर नहीं बनता मोटिफ। ये इस तरह से हम अपनी लाइन कंप्लीट करेंगे और यहाँ एंड कर देंगे। जो हमारा आखिरी टांका होगा वहाँ पर सुई निकाल कर नीचे गांठ लगा देंगे। तो ये है हमारा स्टेम स्टिच। अब हम दूसरे मेथड से स्टेम स्टिच बनाना सीखेंगे। पहला ये था, दूसरे के लिए हम पहला स्टेप हमारा सेम रहेगा, यानी हमने कपड़े के नीचे से सुई निकाली और उसके बाद एक छोटा सा टांका लेंगे, यानी कि शुरुआत दोनों मेथड्स की सेम होगी। जैसे हमने पहला वाला स्टिच शुरू किया था स्टेम स्टिच, उसी तरह से करेंगे। धागा हमने बाएं हाथ के अंगूठे से दबा लिया है, अब हम छोटा टांका लेके और मिड में से निकालेंगे। अभी जो टांका बना है उसके सेंटर में से हम सुई निकालेंगे इस तरह से। दोबारा देख लीजिए, ये हमने छोटा टांका लिया और हम अभी बने हुए टांके के मिड में से सुई निकालेंगे। मैं आपको थोड़ा लूज़ रख के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमने छोटा सा टांका लिया और फिर ये वाला जो टांका है इसके पैर में से हम हमारी सुई निकालेंगे इस तरह से। और अब ये धागा खींच दीजिए ताकि हमारा अगला स्टिच बन सके। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी आती है, आपको अंदाज़ा है कि कहाँ से निकालेंगे, तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ये वाला स्टिच थोड़ा सा लूज़ छोड़ दीजिए और जब आपका ये स्टिच कंप्लीट हो जाए अगला वाला तो आप पहले वाले धागे को खींच लीजिए। इस तरह से खींच लीजिए तो आपका ये स्टेम स्टिच बनता जाएगा। ये स्टिच हम तब बनाते हैं जब हमको डंडी की मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा रखनी हो तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। अगर आप पतली डंडी बनाना चाहते हैं तो पहले वाले तरीके से स्टेम स्टिच बनाइए, और यदि आप डंडी थोड़ी सी मोटी रखना चाहते हैं तो फिर आप ये मेथड यूज़ करेंगे। ये वाला देखिए, थोड़ी सी मोटी बनती है डंडी। ये छोटा सा टांका लिया और मिड में निकाल दिया। ज़्यादा लंबे टांके मत लीजिए, छोटे टांके लेने से स्टिच जो है, जो टांका है हमारा, वो खूबसूरत लगता है। ये देखिए, मैं दोबारा लूज़ छोड़ के बता रही हूँ आपको, ये मिड में से लिया और फिर अब ये टांका खींच दीजिए, ये वाला धागा खींच दीजिए। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा बनाना। ये मेरा टांका थोड़ा सा गलत हो गया। आप ये जो वर्किंग थ्रेड है, ये शुरुआत जहाँ जब रखेंगे, अगर बाएं रखेंगे तो आपको पूरा मोटिफ बाएं पे रख के ही बनाना होगा और दाएं रखेंगे तो पूरा मोटिफ आप दाएं रख के ही बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये धागा जहाँ होगा पूरे मोटिफ में आप उसको चेंज नहीं करेंगे।
उसकी डायरेक्शन वहीं रखेंगे। मैंने बाएं में रखा था, तो अब मैं पूरा मोटिफ, इस धागे को वर्किंग थ्रेड कहते हैं, इसको वर्किंग थ्रेड को बाएं रख के ही बनाऊंगी। इस तरह से अंगूठे से दबा लिया, छोटा टांका लिया और स्टिच के मिड में से निकाल लिया। इस तरह से छोटे छोटे टांके लेके आपको ये पूरा डंडी टांका कंप्लीट करना है। एंड करने के लिए हमने जो लास्ट स्टिच बनाया और दोबारा वो जहाँ एंड हो रहा है वहीं से सुई हम नीचे कपड़े में ले जाएंगे और अपना टांका आप एंड कर दीजिए। और ये है हमारा दूसरे तरीके का स्टेम स्टिच। अब मैं आपको स्टेम स्टिच का पहला वेरिएशन, जिसे व्हिप्ड स्टेम स्टिच कहते हैं, बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमको सबसे पहले, जो हमने पहला वाला स्टेम स्टिच सीखा था, सबसे पहले वाला, वो उसकी एक बेस लाइन बनानी पड़ेगी। ये देखिए, मैं दोबारा बता देती हूँ, जो पहले सिखा चुकी हूँ, ये वाला जो हमारा पतला वाला स्टेम स्टिच है, हम उसकी एक बेस लाइन बनाएंगे। ये देखिए, बना ली। अब हम दूसरे कलर के धागे से, कॉन्ट्रास्ट कलर के धागे से व्हिप स्टेम स्टिच बनाएंगे। ये धागा आप 6 strands लीजिए, मोटा लीजिए। अब इसमें हम कपड़े को पेनेट्रेट ना करेंगे, जैसे हमने रनिंग स्टिच में बनाया था, बैक स्टिच में बनाया था, सेम वही प्रोसीजर होगा। हम सिर्फ टांके में से अपना धागा निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से कपड़ा नहीं ले रहे हैं हम, सिर्फ टांके में से सुई निकालेंगे और थोड़ा सा मोटा रखेंगे अगर आप धागा, तो ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो मैंने ये पूरे 6 strands लिए, लच्छी वाला जो धागा है उसके पूरे 6 strands लेके मैं ये स्टिच बता रही हूँ आपको। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और हम ये पहले भी सीख चुके हैं, रनिंग स्टिच में भी हमने ये वाला वेरिएशन सीखा था, बैक स्टिच में भी सीखा था और इस स्टेम स्टिच में भी हम सेम इसी तरह का ये वेरिएशन लेंगे। इसको कहते हैं व्हिप्ड स्टेम स्टिच। ये एंड करने के लिए हम वैसे ही जो हमारा लास्ट है उसमें से निकालेंगे, टांके में से व्हिप किया और फिर जहाँ हमने अपना ये स्टिच एंड किया था वहीं हम अपना ब्लू वाला स्टिच भी एंड कर देंगे। और इस तरह से हमारा ये व्हिप्ड स्टेम स्टिच बन जाएगा। बच्चों, कई बार एक प्रॉब्लम आती है कि जब कर्व्स होते हैं, यानी कि जो गोलाई वाली लाइंस होती हैं, उस पर हम स्टेम स्टिच कैसे बनाएं। तो मैं आपको ये दो तरीके बनाना सिखा रही हूँ। इस तरह से ये आपने कर्व लाइन ले ली, उसके बाद जो हमने पहले वाला मेथड यूज़ किया था उसको लेते हुए ये धागा हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे से दबा लेंगे और एक छोटा सा टांका, जहाँ भी हम कर्व या गोलाई वाले लाइंस बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारे टांके थोड़े से छोटे रहें। बड़े टांके लेंगे तो स्टेम स्टिच या डंडी टांका अच्छा नहीं बनेगा और उसमें सफाई नहीं आएगी। तो सफाई के लिए हम, ये देखिए, ये छोटा सा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मेरी गोलाई जो जा रही है वो बाएं हाथ की तरफ जा रही है, तो मैं अपना धागा जो है, मेरा वर्किंग थ्रेड जो है, वो बाएं हाथ की तरफ रखूँगी और छोटे छोटे टांके लेते हुए स्टेम स्टिच बनाऊँगी। इस तरह से, ये देखिए, बाएं हाथ के अंगूठे से मैंने दबा लिया, मेरा वर्किंग थ्रेड बाएं तरफ है, छोटा टांका लिया और ये खींच लिया। ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे आप टांके, छोटे छोटे टांके बनाइए, जिससे परफेक्ट स्टेम स्टिच या डंडी टांका सफाई से बने। इस तरह से अब अगर हमारा ये कर्व इस तरफ था तो हमने अपना धागा बाईं तरफ रखा, अब हमारा जो कर्व है, जो गोलाई है, वो दाईं तरफ जा रही है, तो मैं अपना धागा दाईं तरफ रख के शुरुआत करूँगी। मेथड वही रहेगा, छोटा छोटा टांका लेंगे हम लोग, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, जो मेरा वर्किंग थ्रेड है, जिस थ्रेड से हम काम कर रहे हैं, वो हमारा दाईं तरफ रहेगा, जिस तरफ गोलाई है उस तरफ हमारा धागा रहेगा। ये देखिए, दाईं तरफ, और छोटे छोटे टांकों से हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे हैं, गोलाई होते हुए भी सफाई से टांका बन रहा है, छोटे छोटे टांके लेते हुए। ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं कि जब हम गोलाई में वर्क करेंगे, धागा इधर रहेगा, जहाँ गोलाई है धागा हम उस तरफ ही रखेंगे। बच्चों, ये ई लेक्चर्स आप लोगों के लिए ही बनाए जा रहे हैं, कृपया इनका लाभ उठाइए, अभ्यास करें, कुछ नया सीखने सिखाने को हमेशा तत्पर रहें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।